तो हेलो एवरीवन, आपके ऑनलाइन स्टडी ए कैम पर चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं पर्यायवाची शब्द, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस बार भी आपके 2022 में अगर कोई भी बोर्ड से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पर्यायवाची शब्द याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि 50 शब्द वर्ड लेके आए हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और हम जल्द लाइव आने वाले हैं, जो कि हमारे 1000 सब्सक्राइब का परिवार होने वाला है। तो मैं आशा करूँगा कि आप उस लाइव में जुड़िएगा और आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको हिस्ट्री का, जो कि मैं लाइव करने वाला हूँ, जो कि फर्स्ट लाइव हिस्ट्री का होगा, जो कि आपको उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा विस्तार से। तो उस पर आप लाइव आइएगा और आप उसमें कमेंट कीजिएगा, आप कौन से कास्ट के हो, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप सभी चीज़ उसमें कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सी क्लास में हो, आपको कौन सा क्लास का पढ़ाई पढ़ना है। तो आपको उसका PDF भी मिल जाएगा और उसका क्लास चालू कर दिया जाएगा। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जाने से पहले आपको परिभाषा पढ़ना होगा पर्यायवाची का। तो यहाँ पे लिखा है, पर्यायवाची शब्द उन्हें कहते हैं जब भिन्न भिन्न शब्द का अर्थ समान हो, अर्थात एक ही शब्द के स्थान पर समान अर्थ वाले अलग अलग शब्द प्रयोग किया जा सके। इसी कारण इसे इन्हीं समार्थक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। ये कह रहा है कि जो शब्द जो होता है, तो उसका जो भिन्न भिन्न शब्द जो होता है, उसके अनेक शब्द होते हैं, ठीक है। पर्यायवाची के अनेक शब्द होते हैं, 5, 6, 7, 9, 10 जितना हो सकता अनेक शब्द हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इसमें मैं 5 या 4 शब्द में लेके आया, जो कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो इसको पूरा देखिएगा, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं बड़ा करके आपको पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कि अमृत का, तो अमृत का हो गया आम्य, सुधा, मधु, सोम, अमी, ठीक है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं, अरण्य का, तो इसका है विपिन, कनान, वन, जंगल। आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, अनुपम का, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अतुल, अद्वितीय। आश्रय का पढ़िए, हया, घोटक, तुरंग, घोड़ा। असुर का पढ़िए, दानव, निश्चार, राक्षस, देवारी। अग्नि का पढ़िए, आग, पावक, अनल, दब। अचल का पढ़ते हैं, नग, गिरी, पर्वत, स्थिर, महाधीर, माहिधर, ठीक है। अतिथि का पढ़ते हैं, मेहमान, अंगातुक, अभ्यागत, पहुन। अप्सरा का पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द जो है, देवांगना, दिवांगना, सुदरी, देव बाला। अपमान का पढ़ते हैं, अवमान, अनादार, बेइज्जती, तिरस्कार, उपेक्षा। अर्जुन का पढ़ते हैं, पार्थ, भारत, धनंजय, कुंती। अधिकार का पढ़ते हैं, शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता, दावा, हक। अंगूठी का पढ़ते हैं, मुद्रिका, मुद्रा, अंगुलिया, अंगुलिका। अज्ञानी का पढ़ते हैं, मूर्ख, मूर, अनजान, अनभिज, अनभिज्ञ। अमर का पढ़ते हैं, नित्य, अनसर, अक्षय। अधर का पढ़ते हैं, ओठ, ओष्ट, रदपट। उत्थान का पढ़ते हैं, आरोहा, चढ़ाव, उत्कृष्ट, उत्क्रमण। उत्कृष्ट का पढ़ते हैं, उत्थान, उन्नति, अभ्युदय, आरोहा। उत्पत्ति का पढ़ते हैं, जन्म, उद्यम, उद्भव। एकता का पढ़ते हैं, एक रूपता, एक श्रुता, अभिनाता, अभेदे। दोस्तों, जो पर्यायवाची जो शब्द होता है, तो उसमें कुछ पढ़ने में डिस्टर्ब होता है, मतलब कि कुछ बड़ा भाषा में होता है, जो कि इसमें संस्कृत शब्द से भी बना होता है, ठीक है, पर्यायवाची शब्द। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, इसको देख के पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे एस वरिया, तो उसका होगा संपन्नता, वैभव, श्री, संपदा। ओस का पढ़ते हैं, पराक्रम, बल, जोर, ताकत। ओस का पढ़ते हैं, तुषार, हिमकर, हिम बिंदु। कुबेर का पढ़ते हैं,
किन्नर देव धनपति यशराज। कपड़ा का पढ़ते हैं वस्त्र पथ चीर वसन। कारागार का पढ़ते हैं जेल वारावासा कैदी खाना। किरण का पढ़ते हैं अंशु रमेशकर मयूख। कोकिला का पढ़ते हैं पिक कोयल वन प्रिय कोकिला। कबूतर का पढ़ते हैं कपोता रथ लोचना हरिता। कंचन का पढ़ते हैं सोना स्वर्ण कंक सुवर्णा। अध्यक्ष का पढ़ते हैं लुप्त गायब अस्त अंतर्ध्यान। अनिवार्य का पढ़ते हैं आवश्यक जरूरी अपरिहार्य। असभ्य का पढ़ते हैं गवार अशिष्ट बड़बड़। आँख का पढ़ते हैं लोचन नेत्र दृष्ट नयन अम्बल। दोस्तों ये जो आँख का जो प्रयासित शब्द है आपको तो याद हो जाना चाहिए क्योंकि ये बार बार पूछे आते हैं तो आप बचपन से इसको पढ़ते हुए आए होंगे शायद। चलिए आगे पढ़ते हैं। आम का पढ़ते हैं रसाल सहकार अमृत फल अम्र। आपत्ति का पढ़ते हैं आपदा विपदा मुसीबत विपत्ति। अनाथ का पढ़ते हैं प्रसन्नता आमोदा प्रमोद हर्ष। आकाशगंगा पढ़ते हैं मंदाकिनी सूर्य नदी नभगंगा स्वर्ग नदी। आयुष्मान का पढ़ते हैं चिरायु सतायु दीर्घायु चिरंजीवी। आज्ञा का पढ़ते हैं अनुमति स्वीकृति मंजूरी सहमति इजाजत। आदि का पढ़ते हैं प्रथम आरंभिका पहला शुरू का। आहार का पढ़ते हैं भोजन खाना खाद वस्तु भोज्य सामग्री। दोस्तों आहार के बारे में आपको मालूम चल गया होगा कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि परिभाषित शब्द है। आगे पढ़ते हैं आकाश का अंबर यौमन गंगन अनंत। चलिए आलोचना का पढ़ते हैं समीक्षा टीका समालोचना टिप्पणी। आदित्य का पढ़ते हैं दिनकर दिवाकर सूर्य प्रभाकर। आभूषण का पढ़ते हैं भूषण आभरण अलंकार जवाहर गहना। आंगन का पढ़ते हैं प्रांगण बगर। इंद्र धनुष का पढ़ते हैं शक्र चक्र सपतवरण सुरधनु। ईसाइयों का पढ़ते हैं जलन कुरन दिवस। इंद्रपुरी का पढ़ते हैं जो कि लास्ट है देवलोक अमरवती इंद्रलोक देवेंद्रपुरी। तो ये थी आपके 50 पर्यायवाची शब्द जो कि आपको पढ़ने में कष्ट होगा क्योंकि ये कुछ संस्कृत शब्द से बना हुआ है, ठीक है। कुछ तो आपको कुछ दिक्कत होगी जो कि पढ़ने में जबान तोड़ के पढ़ना पड़ता है जो कि आपको मैं पढ़ाऊँगा, तो आपको इसको याद करना होगा। तो आपको इसको लिख लीजिए वरना आप इसको PDF को लेके आप याद कर लीजिए मोबाइल में रख के, या आपको इसको लिख सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं कोई भी एग्ज़ाम हो बोर्ड का तो आपको याद होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि परिभाषित शब्द हर बार पूछा जाता है, ऐसा एक भी नहीं होता जो कि नहीं पूछा जाता, हर बार पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है फटाफट इसको याद कर लेना होगा। मैं आपको जल्दी लाइव आके मैं बहुत चीज़ पढ़ाने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मेरा जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइब होने वाला है जो कि मैं उसमें लाइव करने की कोशिश करूँगा, और कम्युनिटी गाइड में मैं आपको GK क्विज कराना चालू कर दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपको ऑनलाइन स्टडी AKM को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे ऑनलाइन स्टडी AKM को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।